गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान, प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडेय। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर महात्मा गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में अहम योगदान था। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वे लोगों से आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। उक्त उद्गार स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडेय ने महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व महात्मा गांधी जी की 155वीं जन्म जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आन बान व शान के साथ मना रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर पांडेय ने कहा कि आज ही पूरा देश भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जन्म जयंती मना रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी आजीवन सादगी, सच्चाई, राष्ट्रभक्ति, जनसेवा व न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे। आज के अवसर पर हमें दोनों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेना चाहिए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडेय द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन के द्वारा किया गया। इस अवसर सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता पखवाड़ा का समापन स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया। इस अवसर पर कुलानुशासक प्रोफेसर एस डी सिंह, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह, प्रोफेसर एस एन सिंह, प्रोफेसर जी सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार यादव, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, डॉक्टर रामदुलारे, डॉक्टर योगेश कुमार, डॉक्टर गोपाल यादव, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर रागिनी अहिरवार, डॉक्टर स्मृति, डॉक्टर अंजनी कुमार गौतम, डॉक्टर कृष्ण कुमार पटेल, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, डॉक्टर नीतीश कुमार भारद्वाज, सर्वश्री लवजी सिंह, अमरजीत सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, अमितेश सिंह, कृष्ण मुरारी, सुभाष चंद्र यादव सहित भारी संख्या में प्राध्यापक, कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविका आदि उपस्थित होकर कर श्रमदान किया। दो हजार सात से हम गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि अहिंसा के मार्ग पर हम कैसे चलते हुए आजादी प्राप्त कर सकते हैं। आज उनकी 155वीं जन्म जयंती है और गांधी जी के सिद्धांत पूरी दुनिया में, उनके विचार पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आज संयोग से सादगी और सच्चाई के प्रतीक रहे, ईमानदारी के प्रतीक रहे हमारे प्रति प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर भी हम उन्हें नमन करते हैं और हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के दिवस पर इन दोनों महापुरुषों के विचारों के साथ हम इन विचारों को आत्मसात करते हुए चलेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी भाव पर अपने कॉलेज के विचारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर हम सभी महानुभावों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम तो बगीचे में चलेंगे क्योंकि ये सेवा, समर्पण और स्वच्छता के गांधी जी प्रतीक रहे हैं, तो हम एक प्रतीकात्मक स्वच्छता अभियान।